नमस्कार मेरे स्वाद के मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विज फूड इंडिया में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा राइस। ये हमने स्टीम राइस ले लिया है, आप देख सकते हैं ये जीरा है, एक हरी मिर्च जिसको हमने बीच से फाड़ लिया है, ये अदरक है इसको स्लाइस में काट लिया है, और ये एक मीडियम प्याज है इसको भी हमने बारीक काट लिया है, और ये हरा लहसुन की पत्ती है इसको भी बारीक काट लिया है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जीरा राइस बनाना, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। आइए शुरू करते हैं। पैन को हमने चढ़ा दिया है, अब इसको गर्म होने देंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 2 चम्मच शुद्ध देसी घी का प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भुनेंगे, लाल होने देंगे। हमने बारीक कटी हुई लहसुन की पत्तियों को डाल दिया है, और ये हरी मिर्च इसको भी डाल देंगे, अदरक को शामिल कर देंगे, थोड़ी देर इसको भूनेंगे। अब यहाँ पे हम प्याज को डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भुनेंगे। थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल देंगे और इसको भुनेंगे। याद रखना है कि हमें प्याज को पूरा अच्छे से भूनना है, फ्लेम हमको मीडियम ही रखना है प्याज, जिससे जले ना। इसमें एक चुटकी हम हल्दी डाल देंगे, जिससे चावल फ्राई में थोड़ा सा कलर आ जाएगा। इसी में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम चावल को डाल देंगे, अब इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हल्दी डालने से चावल में बहुत ही लाइट कलर, येलो लाइट कलर आ गया है, जिससे चावल हमारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और जो प्याज हमने गोल्डन ब्राउन किया था, वो इस जीरा राइस की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो अभी इसको 2 मिनट तक हम भुनेंगे। हमारा जीरा राइस बन के बिल्कुल तैयार है, आइए इसको सर्व करते हैं। ये हमने सर्व कर दिया है, आप देखिए कितना लजीज ये जीरा राइस। इसको हमने प्याज से गार्निशिंग किया है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है,
और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही कम लगते हैं और चावल का टेस्ट बढ़ जाता है। तो आप इसको ज़रूर घर में बनाइए और इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल पे कमेंट के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।